भारतीय जनता पार्टी नाभा मंडल शहरी वालों शनिवार को स्थानिक पटियाला गेट नाभा विखे मंडल प्रधान गौरव जलोटा की अगुवाई विच आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा का पुतला फूकिया। इस मौके भाजपा के सीनियर आगुआ जिला भाजपा प्रधान सुरेंद्र गर्ग जनरल सकत्र एडवोकेट योगेश खत्री मीत प्रधान विशाल शर्मा गुरिंदरजीत सिंह सोडी अमन चंद कथूरिया वालों संबोधन करते हुए कहा कि आप विधायक अमन अरोड़ा वालों गौवंश संबंधी दिते बयान बहुत निंदन योग है। उन्होंने अगे कहा कि इस नाल हिंदुओं दी भावनावां नूं ठेस पहुंची है। भाजपा आगुआ ने विधानसभा स्पीकर तो मंग की है कि इस मैंबरी नूं खारिज किया जाए। इस मौके अमन अरोड़ा विरुद्ध जोरदार नारेबाजी भी की गई। यह कहना चाहते हैं जो अमर अरोड़ा ने यह बयान दिता सीगा विधानसभा दे विच पास कराने लई भी यह जिहड़ा गौवंश आ इहनू जो पिछले ने DNA टैसट करा के भी इन्हों क्यों ना बुत्रखाने भेज दिता जाए। असी एक गल मंग करते हाँ तो दसना चाहते हाँ कि जिहड़ा साडी पबलिक आ पंजाब की पबलिक आ हिंदुस्तान की पबलिक आ यह गऊ सेंस लग्या होया तो जबकि गऊ सेंस इन्ना इकट्ठा हो रहा कि यह गऊशाला जिथे कि रखनिया ने उत्थे क्यों नहीं दिता गया हूँ तक। जे नहीं दिता गया तो ये अपने खजाने भर रहे हैं ये इन्हों का खजाना नहीं पूरे पूरा होगा पर यह गौशाला दिता जान ये वारा कुछ ना हो रहे सड़क के कर इन्नी कहता मैं यही गल कहना भी यह अपने उत्थे पहुँचाण जड़िया के मिसहैपनिंग हो रही ने हो रहे हैं जिन्होंने ये कंडम करते हैं। असी कहना यही सारा काम गौशाला के गौशाला जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो दिता जाए तो यह गौशाला इन्हों सामभ सके इन्ना ही कहता आया। मैं अमर अरोड़ा यही अपील करता तो पंजाब सरकार को भी यही अपील करता भी जो टैक्स है यह गौशाला का टैक्स आ गौशाला दिता जाए ना कि अपने खजाने में रखे जाए। अमन अरोड़ा ने जो गौवंश के संबंध के बयान दिता है बहुत निंदनयोग है तो यह सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं की भावनाओं जी ठेस पहुँची है। असी ये पूरी निंदा करते हैं तो अज वह पुतला फूक के पंजाब सरकार तो स्पीकर विधानसभा तो मंग करते हैं कि वो विधायकी है जी खारिज की जाए तो वो खिलाफ हिंदुओं दी भावनावां जी ठेस पहुँची है ये विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा जी वालों जो मनभाद का बयान दिता गया है साड़ी भावनावां नाल जुड़िया होया साड़ी जिन्हों असी सनातन धर्म के असी मां मानते हैं साड़ी गौ माता के खिलाफ जो उन्होंने मारन की जो इन्ह का बयानबाजी आई है वह असी कड़ा विरोध करते हैं। तो मैं दस देना चाहना थोड़े माध्यम के राही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के ये गेम चला रही ने क्योंकि हर असी आम पब्लिक के नाते हर चीज़ के गौ माता के नाँ का एक टैक्स भरते हैं जो कि पंजाब सरकार जो सही जगह पर यूज़ नहीं कर रही जिदे करके आम आदमी पार्टी के नाल मिल के विपक्ष नाल मिल के ये बुचड़खाने खोल रहे हैं। जिहड़ा बयान यह आया कि असी गौ माता नूं बुचड़खाने के ले आके मारांगे ये बड़ा मंदभाग है तो मैं नहीं मैं समझदा कि पंजाब की जनता जो जिस दे नाल ये भावनावां जुड़िया हुई ने माता सब दी है गौ माता वो इन्हों कदे माफ़ नहीं करनगे आने इलैक्शन इन्हों सबक सिखा।